मीडिया देखना प्रारंभ कर दिया है ट्रू फैक्ट न्यूज को। मैं हूं आपके साथ मुकेश झा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के शिवहर जिले के समाहरणालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शराबबंदी, अपराध नियंत्रण एवं नशा मुक्त को लेकर के जनप्रतिनिधियों से किए जनसंवाद। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के लिए किस प्रकार से सज धज कर तैयार था शिवहर समाहरणालय, आप तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूं यह वीडियो। इस वीडियो को देखिए जब किस प्रकार से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का आगमन हुआ शिवहर समाहरणालय परिसर में, तो वहां का ये दृश्य आप तमाम दर्शकों के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें तिरहुत आईजी गणेश कुमार, शिवहर डीएम अवनीश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार उपस्थित रहे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सभी थाना अध्यक्षों एवं जनप्रतिनिधियों को समस्याओं को हल करने को निर्देश दिया तथा सम्मान करने का भी निर्देश दिया। नशा मुक्त सौहार्दपूर्ण समाज निर्माण का आह्वान किया तथा अमन चैन की कामना करते हुए संबोधन को समाप्त किया। शिवहर जिला से प्रस्थान करते वक्त ट्रू फैक्ट न्यूज के माध्यम से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक बोल। शराबबंदी कानून को जमीन पर प्रभावशाली ढंग से उतारने के लिए, इफेक्टिव ढंग से इसको लागू करने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग चाहिए। उसके लिए अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए सब में जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है। उसी के लिए जनसंवाद का कार्यक्रम। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने सुना, ब्यूरो रिपोर्ट ट्रू फैक्ट न्यूज़।